सो द लास्ट यूनिट हम लोग डिस्कस किए आर्नेस एस कॉन्सेप्ट में उस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक क्या था ड्रॉबैक था कि आर्नेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस वही हो सकता है जिसके अंदर एच या ओ एच हो बट ऐसा बहुतों कंपाउंड है बहुत कंपाउंड है जिसके अंदर एच या ओ OH एच नहीं है फिर भी वो एसिड और बेस हो सकता है सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज एक्सटेंडेड बाई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एंड दैट इज कॉल्ड प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्सटेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिमेंबर कोई भी कॉन्सेप्ट एक दूसरे का मॉडिफिकेशन नहीं बोल सकते हम लोग ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे हर कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर दें वो एसिड है कि बेस है लिमिटेड सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम ले लेंगे ब्राउन स्टैंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुइस कॉन्सेप्ट दोनों आ जाएगा ये तो जरूरत क्या पड़ा जिसके अंदर एच या ओ OH एच नहीं है हाउ कैन यू डिफाइन एसिड और बेस दैट विल डिस्कस इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है क्या देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वॉज कि वन बाई

एच सी एल इज प्रोटोन लूजर तो जो एच प्लस लूज करेगा दैट विल कॉल एज ब्रॉन्सटेड एसिड एंड एच प्लस लॉस्ट बाई एच सी एल इज गेंड बाई वॉटर वाटर उसको गेन कर रहा है यानी वाटर प्लस एच प्लस अगेन इट इज गिविंग एच थ्रीओ प्लस तो प्रोटोन डोनर इज एसिड मतलब एच सी एल एच प्लस दे रहा है इसलिए एसिड प्रोटोन मीन्स एच प्लस इसलिए उसको एसिड बोलेंगे और एच प्लस लॉस्ट बाई एच सी एल इज गेंड बाई वाटर सो व्हाट वेस वॉट कॉल्ड एज बेस एन एच सी एल इज एन एसिड सो एच प्लस लूजर इज एसिड एच प्लस एक्सेप्टेड इज बेस ठीक है एक ही एग्जाम्पल हुआ दूसरा एग्जाम्पल देखो न एगेन टेक एच सी एल एंड एन एच थ्री हमेशा रिवर्सल रियक्स में साइन शो करना है इन द केस ऑफ ब्राउन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट

अब वो दो रिएक्शन को कंपेयर करना है वो रिएक्शन क्या है देखो एक नया चीज दिखाई पड़ेगा एच सी एल एंड वाटर एच थ्री ओ प्लस एन सी एल माइनस एंड अगेन टेक एन एच थ्री एंड वाटर ये भी दे रहा है एन एच फोर प्लस प्लस ओ एच माइनस वट इज डिफरेंस देखो वाटर यहां बेस है सेकेंड केस में वाटर कन्वर्ट्स टू ओ एच माइनस मीनस इट इज लूजिंग एच प्लस देयर वाटर एक्ट्स एज एन एसिड और एच प्लस लॉस्ट वाटर उसको गेन कौन कर, कर रहा है अमोनिया गेन कर रहा है अमोनिया गेन किया मतलब इट विल एक्ट एज ए बेस तो पहला दो रिएक्शन ये क्या इंडिकेट कर रहा है इंडिकेट कर रहा है कि वाटर इज एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसमें दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज हो वो जो लिखता है कि वाटर इज न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब नैदर एसिडिक नॉर बेसिक बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट वाटर इज एम्फोटेडिकोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज तो क्वेश्चन दे सकता है थ्रू द केमिकल रिएक्शन शो दैट वाटर इज एम्फोटेडिक तो ये रिएक्शन बता रहा है वाटर एम्फोटेडिक और एम्फोटेडिक प्रूफ करने के लिए क्या जरूरी है मान लो कहेगा एक्स एम्फोटेडिक हाउ डू जस्टिफाई एक्स यदि एसिड से रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब एक्स मस्ट बी बेसिक इन नेचर और वही एक्स यदि वो बेस से रिएक्ट कर रहा है तो मतलब हो गया एक्स इज एसिडिक इन नेचर सो एम्फोटेडिक सबस्टांस एबिलिटी टू रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस तो वाटर एम्फोटेडिक है क्योंकि वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है वहाँ एसिड तरह एक्ट करता है और वही वाटर जब एससील साथ रिएक्ट करता है तो बेस तरह एक्ट करता है अच्छा अच्छा बुक में लिखता है एक ग्लास पानी में यदि ग्लास में पानी रखते हैं तो आफ्टर मिलियन ईयर्स ग्लास वेनिस्ट हो जाएगा क्या रीज़न हो सकता है ये ये ग्लास इसमें वाटर में क्या एक्स्ट्रा एबिलिटी हो गया इफ दिस ग्लास इज मेड ऑफ एन एसिडिकॉर्ड एसिडिक है तो वाटर विल एक्ट एज अ बेस जो वाटर दी दिस ग्लास इज बेसिक इन नेचर दिस वाटर विल एक्ट एज एन एसिड तो इस वाटर में एबिलिटी है इस ग्लास साथ रिएक्ट करने का इसका मतलब बहुत समय के बाद अपने मिलियन ईयर्स बोलता है ग्लास वेनिस्ट हो जाएगा रीजन क्या हुआ यदि ये ग्लास एसिडिक संस्थान से बना हुआ है तो वाटर कैन डिजोल्व इट बाई एक्टिंग एज ए बेस और यदि बेसिक संस्थान से बना हुआ है तो वाटर कैन डिजोल्व बाई एक्टिंग एज एन एसिड इसमें दोनों एबिलिटीज सो वाटर इज एम फोर टेडिक इन नेचर एक दो और रिएक्शन लोग डिस्कस करते हैं जो ब्रांसटेड का है फिर हम लोग लूइ कॉन्सेप्ट चले गए जैसे कोई भी रिएक्शन कैन टेक एच एन ओ थ्री एंड अगेन एन एच थ्री रिएक्ट करके इट गिव्स एन एच फोर प्लस प्लस एन ओ थ्री माइनस अगेन ये एसिड है बिकॉज इट इज लूजिंग एच प्लस एन एच थ्री गेन किया इसलिए बेस तरह एक्ट करेगा तो ये एसिड हुआ वो बेस हो जाएगा ये और एक और मैटर यहाँ हम लोग देख रहे हैं शायद दिखाई पड़ रहा है चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका मतलब एनएच फोर प्लस एन एन ओ थ्री माइनस विल अगेन रिएक्ट टू गिव एच एन ओन एन एच थ्री तो यदि एनएच फोर प्लस एन एच थ्री प्रोड्यूस कर रहा है बैक एन एच थ्री दे रहा है इट मीन्स इट इज लूजिंग एच प्लस तो जो एच प्लस देगा उसको फिर क्या बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड इसका मतलब ये एसिड एक्ट करेगा ये और एनओ थ्री माइनस कन्वर्ट्स टू एच एन ओ थ्री दैट इज ओनली पॉसिबल वेन यूट एक्सेप्ट एच प्लस तो फिर एनओ थ्री एच प्लस एक्सेप्ट करके बैक एच एन ओ थ्री दे रहा है इसका मतलब एसिड प्रोड्यूस बेस एंड वाइस वर्सा और ये जो पेयर ऑफ एसिड एंड बेस हुआ दिस इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर ऑफ एसिडेंट बेस एनएस एन एच फोर एक दूसरे का कंजुगेट पेयर कहलाएगा ये ठीक है थोड़ा सा सबका इंट्रोडक्शन चाहिए तुम्हारे लेवल में अदरवाइज टेंथ लेवल में स्ट्रेस ज्यादा देना है आरनीएस कॉन्सेप्ट लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है ये तो थोड़ा एक डेफिनेशन पार्ट याद रखना है एक कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस क्या हुआ रिमेंबर एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू बेस मैन एसिड माइनस एच प्लस जो प्रोड्यूस जो एनाइन बनेगा इनफैक्ट दैट विल एक्ट एज ए बेस या बेस को एसिड में बदलना हो द बेस प्लस एच प्लस विल गिव एसिड एंड अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर टू ईच अदर बाय अ प्रोटोन इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर जैसे देखो एच सी एल में एच निकाल देंगे बदल जाएगा सी एल माइनस में सी एल माइनस में एच प्लस जोड़ देंगे बदल जाएगा एच सी एल में ये दोनों पेयर कहा लगेगा कंजुगेट पेयर सो व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ एसिडे सी एल दैट इज सी एल माइनस तो एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू बेस एंड वाइस वर्सा तो डेफिनेशन हुआ कंजुगेट पेयर ऑफ एसिड एंड बेस का अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर टू ईच अदर बाई अ प्रोटोन इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर इसको भी ध्यान रखना है एच एन ओ थ्री इज एन एसिड एन एन ओ थ्री माइनस एच प्लस लूज क्या दीज आर द कंजुगेट पेयर ये एसिड है उसका कंजुगेट बेस एन ओ थ्री है सिमिलरली एन एस थ्री एक बेस है उसका कंजुगेट एसिड एन एस थ्री हो जाएगा हम इसको कभी ऐसे भी लिखते हैं ये एसिड वन है ये बेस वन है नॉ एसिड विल प्रोड्यूस बेस दिस विल विलस टू और इसको मान लेंगे एसिड टू तो यहां पे एसिड वन एंड बेस टू ये दोनों कंजुगेट पेयर कहलाएगा फिर बेस वन एंड एसिड टू दिस विल कॉल एज कंजुगेट पेयर बट शॉर्टकट में डेफिनेशन याद रखो बेटर है अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच डिफर टू ईच अदर बाय अ प्रोटोन इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर कोई भी ले सकते हम लोग वी कैन टेक फोर एच टू सो फोर एच प्लस लूज किया एच सो फोर माइनस में बदला एच फोर माइनस फिर एच प्लस एक्सेप्ट किया एच टू सो बदला

सो फाइनली दिस वॉज अगेन एक्सटेंडेड बाय रिमेंबर कभी भी नहीं बोलना वो उसको मॉडिफाई किया ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हर सब्सटेंस को एसिड और बेस में क्लासीफाई कर दे सर्टेन कैन बी क्लासीफाइड ओनली अकॉर्डिंग टू आरनेस कॉन्सेप्ट सर्टन अकॉर्डिंग टू लुएस कॉन्सेप्ट सो ये कॉन्सेप्ट को फिर एक्सटेंड किया गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग बोलते हैं लुवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस अब लुइस कॉन्सेप्ट में क्या है थोड़ा उसको भी देख लें हम लोग लुइस कॉन्सेप्ट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड लुइस बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड लुइस एसिड जैसे देखो NH3 थ्री एंड दिस साइड दिस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको रिएक्शन कराता हूं बी सी एल थ्री से और ये आगे हायर लेवल में पढ़ोगे बी सी एल थ्री को बोलते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्योंकि बोर्ड कैन सी एक लाइन पे दो इलेक्ट्रॉन होता है या दो चार छः इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट इन ऑक्टेट ऑक्टेट में नहीं है लेस देन एट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है कमी है तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन मिले तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो कोई भी होगा उस सबको हम बोलते हैं लुविस एसिड इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा लोन पे डोनेट करेगा दैट इज कॉल्ड लुइस बेस एन एच थ्री विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरोन एंड फाइनली इसको लिखा जाता है इस तरह से कुछ एनएच थ्री और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ये दिस इज कॉल्ड एडक्ट मीन्स एन एडिटिव प्रोडक्ट मैंने इस कॉन्सेप्ट से जो लोन पेयर डोनर है दट इज कॉल्ड लुइस बेस एंड लोन पेयर एक्सेप्टेड इज कॉल्ड लुइस एसिड लोन पेयर डोनर होने के लिए क्या जरूरी है एग्जाम्पल यदि हम जाते हैं तो लोन पेयर डोनर होने के लिए क्या जरूरी है तो उसके सेंट्रल आइटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे कार्बोनेट कंपाउंड में लोन पेयर इज द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वे लुइस बेस हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई डोनेटेड बाय अमोनिया इज हेयर गेन्ड बाय बी सी एल थ्री तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हो गया सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इज कॉल एसिड इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल बेस तो एनएस थ्री विल एक्ट एज लुइस बेस ध्यान रखना है इसमें एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं छोटा एग्जाम्पल लेना बहुत छोटा एग्जाम्पल लेना हो तो कैन टेक अमोनिया अमोनिया का रिएक्शन करा दो सिंपली एच प्लस तो एच प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन एन एस थ्री कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू एच प्लस तो एनएस थ्री इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एन एच थ्री क्या रहा हम लोग और बेस होगा फिर एक्सटेंड किया गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मॉडर्न में आया पहले ब्रॉन्स्टेड एन लोरी कॉन्सेप्ट फिर आया लुइस कॉन्सेप्ट में ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या आया जो H प्लस डोनर इज कॉल ब्रॉन्स्टेड एंड एच प्लस एक्सेप्टेड इसल ब्रॉन्स्टेड बेस तो उसमें फिर हम लोग देखें ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस में कमी क्या रहा है H का होना जरूरी है तभी वो ब्रॉन्स्टेड एसिड का लाएगा डोनर इज एसिड एंड एक्सेप्ट इज बेस उसमें आया फर्दर इट वॉज एक्सटेंडेड बाई लुइस लुइस को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट

का ही कॉन्सेप्ट है बट ध्यान uh, रखना दिस कैन वी कॉल रिएक्शन क्योंकि एसिड और बेस बीच रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बट ये ध्यान रखना है कि आर्निस कॉन्सेप्ट में जैसे मान लो एच सी और एन एच बीच रिएक्शन कराएंगे हम लोग इसको हम बोलते हैं एसिड और ये बेस है इसके रिएक्शन से इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर सॉल्ट एंड वाटर वाटर कॉन्सेप्ट कब आएगा दिस इज ट्रू ओनली अकॉर्डिंग टू द आर्निस कॉन्सेप्ट Arnis में सॉल्ट एंड वाटर बनेगा क्योंकि एसिड टू लूज प्लस और बेस ओ एच देगा तब तो हम बोलेंगे वो सॉल्ट एंड वाटर देगा। बट में OH कहीं है ही नहीं तो जी सीधा एच प्लस जो दिया वो एसिड हुआ और जो एच प्लस को एक्सेप्ट कर बेस से इसलिए वाटर बनने का वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और वो एक अकेला कॉन्सेप्ट याद रखना पूछता है कभी कॉम्पिटिशन लेवल में किस कॉन्सेप्ट में कि अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस एग्जिस्ट ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है ब्रॉन्सट लोरी वाला में बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसेस में हम बोल सकते हैं वहां कि एक पेयर एसिड और बेस का जो हम लोग लास्ट मिनट में डिस्कस भी किया है एक बार फिर इसको देख लो जैसे एच सी एल और एनएस थ्री लिए चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसका सीधा मतलब है एच सी एल रियक्ट विथ एन एच थ्री टू गिव सी एल माइनस एन एच फोर प्लस ये एसिड है वो बेस है और जो प्रोडक्ट बनता है सी एल माइनस फिर ये बेस है, है. तो and and और एन एच फोर एसिड तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नहीं एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव अगेन एसिड एंड बेस एंड इसलिए एच सी एल और सी एल माइनस को भी एक पेयर है ये एसिड है उसका कंजुगेट बेस है एनएस एक बेस है एन एच फोर प्लस उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा ये इस टाइप का आएगा इसको कुछ और हम एक्सटेंड कर दें ऐसे तो ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज के लिए ही है बट uh, फिर भी एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा सा कुछ आइंस टाइप देख लो जैसे एच एस ओ फोर माइनस क्या लग रहा है यह एसिडे की बेस है एक बार में क्या स्ट्राइक करेगा हम लोग को तो हमें ये चेक करना वेदर इट कैन लूज एच प्लस और नॉट यदि वो एच प्लस को लूज कर सकता है तो इट कैन एक्ट एज एन एसिड एच प्लस लूज किया बदल गया एच ओ फोर माइनस माइनस में तो हम बोल सकते है ये एक एसिड बट पैरलि एच एस ओ फोर माइनस एच एस ओ फोर माइनस में एक और एबिलिटी है इट कैन एक्सेप्ट एच प्लस ऑल्सो एच प्लस को यदि एक्सेप्ट करेगा देन इट विल कन्वर्ट टू एच टू एस ओ फोर एच टू एस ओ फोर बदल गया ऐसा क्या मतलब हुआ वही एच एस ओ फोर माइनस यहाँ एसिड बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है तो एच एस ओ फोर माइनस मे एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस वो डिपेंड करा है तो इट इज हाइड्रोजन कंडेनिंग एन आइन बट दिस एच इज रिप्लेसिबल हम बोल सकते हैं कि एसिड कितना भी एक्ट कर सकता है और ऑल एनाइंस आर बेसिस रिमेंबर जितना एनाइन है एनाइन में एबिलिटी है ये कैन एक्सेप्ट एच प्लस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज एच प्लस एक्सेप्ट करेगा ये क्या हो जाएगा एक्सेप्ट किया मतलब इट विल एक्ट एज ए बेस तो एच एस फोर माइनस प्लस एच प्लस गिविंग एच इन दिस रिएक्शन एच माइनस विल एक्ट एज अ बेस और वही एच एसओ फोर माइनस इफ इट इज गिविंग एच ओ फोर माइनस माइनस इट लूजिंग एच प्लस इन नेचर इन नेचर ये सब थोड़ा इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज के लिए है बहुत ज्यादा इस स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है मेन जो कॉन्सेप्ट है आरनेस और मॉडर्न में ब्रॉन्सटेड एंड लॉडिंग एंड लुइस कॉन्सेप्ट प्राइमरी आइडिया के लिए के लोन पे डोनर्स आर एसिड लोन पर बेसिस एंड लोन पर एक्सेप्टर्स आर एसिड इसको केवल ध्यान रखना ही है बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में